हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। किचन में आने वाली सारी प्रॉब्लम को ये पांच किचन हैक्स मिनटों में निपटाने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फेवरेट हैक ज़रूर बताइए। तो चलिए इसे फटाफट सीख लेते हैं। टिप नंबर वन है, जब कभी हम मूंगफली लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा मूंगफली अगर लेके आ गए हैं और काफ़ी दिन तक इसे स्टोर करके रखना है, इसमें कीड़े ना पड़े, जल्दी ख़राब ना हो, उसके लिए आपको लेना है तेज़पत्ता। और तेज़पत्ते को इसके अंदर अगर आप रखते हैं मूंगफली के साथ तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता है और इसमें कीड़े भी नहीं लगते। बहुत ही यूज़फुल टिप है ये, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और आपको पसंद भी आएगा। टिप नंबर टू है, ये है नमक दानी। और इसमें बारिश के मौसम में अगर आप नमक रखते हैं तो सील जाता है और हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो ये सीले ना, इसके लिए हमें इसमें राइस डालने होंगे। ये कच्चे चावल हैं, कच्चे चावल को आप इसमें डाल दीजिए और उसके ऊपर से अगर आप सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो जो जो इसके अंदर का मॉइस्चर होता है सॉल्ट के अंदर का, वो सारा राइस एब्जॉर्ब कर लेता है और इसमें सीलन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। ये सीलते नहीं है और पूरी तरीके से प्रॉपर इसके पोर्स भी खुले होते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। टिप नंबर थ्री है, कबाड़ से जुगाड़। ये देखिए, पैन हमारा बहुत पुराना हो चुका है, पूरी तरीके से हैंडल भी टूट गया है और ये किसी भी यूज़ के लायक नहीं है, लेकिन हम इसको यूज़ में लेंगे। इसको हम एक बार पहले वॉश कर देंगे और उसके बाद हम इसे गोल्डन कलर से अच्छी तरीके से कलर करके एकदम ड्राई कर लेंगे और इसको आप यूज़ कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं, इसमें अचार की बर्नी रख सकते हैं, तो कोई इसे पहचान ही नहीं पाएगा कि ये वही पैन है जो पूरी तरीके से ख़राब हो गया। बहुत ही यूज़फुल है। और इसके बाद टिप नंबर फोर है, अगर हम कोई पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं ग्रेवी की और उसमें हमें स्क्वायर में कट करने होते हैं तो आपका पनीर वेस्ट ना हो, उसके लिए आपको छोटे पीसेस करने होंगे स्क्वायर में और इसको फिर ट्रायंगल में कट कर लेंगे। ऐसा करने से आपके पीसेस एकदम प्रॉपर कटेंगे और हमारा पनीर भी वेस्ट नहीं होगा। आपको कितने भी मोटे पीसेस करने हैं आप कर सकते हैं और अगर आपको पतले करने हैं तो इसमें से ही हम एक पतली स्लाइस कट कर लेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी और यूज़फुल टिप है। टिप नंबर फाइव है, अगर हमारा प्रेस, कभी हम कपड़े प्रेस कर रहे होते हैं और गरम गरम चिपक जाता है और इस पर निशान आ जाते हैं। कोई भी पुरानी एक्सपायरी डेट की हमें टैबलेट लेनी है तो ये हमने दो टैबलेट ले ली है, जितना प्रेस जला हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें दो ही यूज़ करनी है और अगर ज़्यादा प्रेस जल गया है तो आप चार भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने प्रेस को ऑन कर दिया है और इसे गर्म कर रहे हैं और इसके ऊपर से जो हमने टैबलेट रखी है इसे रब करना है, जितना एरिया जला हुआ है उसके ऊपर से आप रब करते जाएंगे और ये काम बहुत ही जल्दी हो जाता है। इसे रब करना है, हाथों से बिल्कुल रब ना करें, इस बात का ध्यान रखिए, आपके हाथ भी जल सकते हैं। अब मैंने प्रेस को ऑफ़ कर दिया है और उसके बाद हमें कोई भी कपड़ा लेना है उससे इसको क्लीन कर देना है। प्रेस को ऑफ़ करने के बाद ही आप क्लीन करें, तो ये देखिए हमने इसको एकदम अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया। बहुत ही यूज़फुल हैक है ये। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें।